हेलो एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी शिमला मिर्च की और बेसन की सब्जी की, जो कि एक साथ बनेगी। सूखी सब्जी होगी, इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी है बनाना, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी। शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसन को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक थिक बॉटम वाला पैन लिया है। इसका जो बॉटम है काफ़ी थिक है, इससे क्या होता है ना, ऐसे बर्तन लेंगे तो काफ़ी अच्छे से भूनती है ये बेसन। और इसको लो फ्लेम पे भूने, जितना लो हो सके उतना फ्लेम पे हम इसको करीब 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाए। बेसन का हल्का सा ब्राउनिश कलर चेंज हो जाता है और इससे जब जैसे जैसे ये भुनेगी अच्छी खुशबू आने लगती है, तो आपको पता चल जाएगा कि भून गई है। तो इसको करीब 5 से 6 मिनट लगते हैं। मैंने बेसन को भून लिया लो फ्लेम पे और उसको साइड में रख दिया। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, एक कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बड़ी चम्मच से मस्टर्ड ऑयल। ये रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। इसमें जैसे ही ये तेल गरम हुआ, इसमें मैंने डाला हींग कुछ पिंचेज, 1/4 स्पून जीरा, अखा जीरा, और 1/4 स्पून काला सरसों, जिसको राई भी बोलते हैं, उसको ऐड करेंगे तड़के के लिए। फ्लेम को लो कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तड़के जल जाएंगे, इसके लिए लो फ्लेम पे हल्का सा सॉटे कर लेंगे, इसको हिला लेंगे और इसको तड़कने देंगे। तो जैसे ही इसमें चटकारे आएंगे, चटकने लगेंगे ये तड़के, फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब हल्का सा हल्दी पाउडर को भी भून लेंगे तड़के के साथ, फ्लेम को लो रखें नहीं तो ये जल जाएंगी। जब ये हल्का सा भून जाएगा, फिर इसमें शिमला मिर्च कटी हुई, इस तरह से मैंने लंबे शेप में काट लिया है शिमला मिर्च को, और इसको ऐड कर देंगे कढ़ाई में। शिमला मिर्च के बीच वाले पार्ट जो वाइट होते हैं उसको निकाल दें, सिर्फ हरा वाला पार्ट रखें। फिर इस शिमला मिर्च को क्या करना है, भूनना है कुछ देर के लिए। तब तक भूनना है जब तक कि इस पर थोड़े से आउटर लेयर है, स्किन पार्ट है शिमला मिर्च का, वो थोड़ा सा चेंज नहीं होने। जैसा आप देख सकते हैं, इस लेवल तक हमें भूनना है हल्का सा। वो भूनेगा तो इस पर मार्क्स आने लगते हैं, निशान दिखेंगे आपको भूनने के, तो उस लेवल तक हमें इसको भून लेना है। करीब 1 से 2 मिनट लगते हैं भूनने में। फिर जब ये भून जाए शिमला मिर्च, इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैंने ऐड किया 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और साथ में ऐड कर देंगे इसमें स्वाद के लिए नमक। तो नमक अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ पे ऐड करें। फिर इन सबको अच्छे से मिला लेना है शिमला मिर्च के साथ मसालों को। फिर थोड़ा देर के लिए इसको भूनेंगे ऐसे ही खुले में। फ्लेम को यहाँ लो टू मीडियम कर सकते हैं, थोड़ा सा तेज कर सकते हैं लो से। अच्छे से मिला लेने के बाद, मसाले जब मिल जाए शिमला मिर्च में, फिर इसमें ऐड करेंगे जो हमने रोस्ट किए थे बेसन, उसको ऐड कर देंगे। इस तरह से इसे ऐड करने के बाद फिर से हमें मिला लेना है बेसन को सब्जियों के साथ। यहाँ पे फ्लेम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मिला लेना है हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसन मिल गया। अब क्या करेंगे, बेसन थोड़ा सूखा दिख रहा है तो इसमें क्या करेंगे, पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है हमें, पानी को स्प्रिंकल करना है। तो जैसा मैंने किया आप देख सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करें। इससे क्या होता है, बेसन फूलती है और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और बेसन जब फूल के और शिमला मिर्च के ऊपर कोटिंग हो जाती है बेसन की, तो काफ़ी अच्छा बनता है ये रेसिपी। तो पानी ज़्यादा बिल्कुल नहीं ऐड करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने से सौगी हो जाता है ये सब्ज़ी, ज़्यादा नरम हो जाता है। तो इसलिए हल्का सा पानी जस्ट छिड़के, उतना ही छिड़के जितना कि ये थोड़ा सा गीला हो जाए और शिमला मिर्च के ऊपर बेसन चिपक जाए और एक तरह से कोटिंग हो जाए। तो 2-3 बार मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लेकर जस्ट छिड़काव किया इसके ऊपर और बहुत अच्छे से ये मिल गई अब शिमला मिर्च के साथ बेसन। तो इसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे करीब 2 मिनट के लिए ढककर इसको पका लिया। और जब 2 मिनट के बाद फिर से इसको मिला देंगे इस तरह से,
काफ़ी अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी इस तरह से बनाए तो। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर, मतलब आमचून पाउडर, एक चम्मच दरदरा पिसा हुआ सौंफ का पाउडर। ये सौंफ का पाउडर ऐड करने से काफ़ी यूनिक फ्लेवर आता है इस सब्जी में, तो ये ज़रूर ऐड करें सौंफ का पाउडर। साथ ही 1/4 स्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया। अब क्या करेंगे, इन सबको मसालों को फिर से अच्छे से मिला लेंगे इन सब्जियों के साथ इस तरह से। आपको अगर बेसन नहीं पसंद है ज़्यादा तो कम ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बेसन की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। अब इन मसालों को मिलाने के बाद फिर से मैंने लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसको पका लिया ढककर। फिर 1 मिनट के बाद फिर से इसको चला लेंगे और ये हमारा सब्जी बेसन शिमला मिर्च की सब्जी बन के रेडी है सूखी सी। इसको आप पराठे के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मैंने गैस को ऑफ कर दिया, अब इसको सर्व कर लेते हैं प्लेट में। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी आज की, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।